सिविल एविएशन अथॉरिटी मुलाजमीन एसोसिएशन के इंतखाबात का मामला सीए के दो धड़े आमने सामने। एम्प्लॉयज यूनिटी सर्विसेज रूल्स 2012 के मुताबिक इलेक्शन करवाने पर डट गई। दूसरे धड़े का सर्विस रूल 2005 के मुताबिक इलेक्शन करवाने का मुतालबा। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से, एम्प्लॉयज यूनिटी सर्विसेज रूल 2012 के मुताबिक इलेक्शन करवाने पर डट गए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे राना मोहम्मद अली से। जी राना मोहम्मद अली, बताइएगा। एम्प्लॉयज यूनिटी सर्विस रूल 2012 के मुताबिक इलेक्शन कराने पर डटे गए, जबकि दूसरे धड़े जो रूल 2005 के मुताबिक सर्विस रूल 2005 के मुताबिक मुलाजमीन एसोसिएशन को एहतजाज और हड़ताल की इजाजत नहीं होती, जबकि सर्विस रूल 2005 के मुताबिक मुलाजिम एसोसिएशन के हकूक के लिए कानूनी जंग भी नहीं लड़ सकती। इन कवानीन की जो बरक्स दूसरी यूनिटी, उनका ये ख्याल है कि हम अगर इन कवानीन से अलग होके इलेक्शन लड़े या हम अपनी एसोसिएशन बनाए तो उससे ना सिर्फ सिविल एविएशन के मुलाजमीन की सहूलियात में इजाफा हो सकता है बल्कि उनके तमाम तर जो मसाइल हैं वो भी बरवक्त हल हो सकते हैं। जी ठीक है। कुछ इम्प्लॉयज 2012 के मुताबिक इलेक्शन करवाने पर डट गए और कुछ मुलाजमीन 2005 के मुताबिक इलेक्शन करवाने पर डट गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका।